क्या सरकार कर रही है दिल्ली पुलिस के अधिकारों में कटौती, क्योंकि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। ऐसा पहली बार है जब कमेटी दिल्ली पुलिस मुख्यालय आई हो। यहाँ कमेटी ने पुलिस की जरूरतों, हथियारों की खरीद और बजट का सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट कमेटी संसद में सौंपेगी। अब से पहले दिल्ली पुलिस अपनी जरूरतों की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को खुद सौंपती थी। Our discussion subject we cannot say to you people because it is our subject to submit the report in the parliament. So what we have seen, what we have discussed, all these things will be submit inside the parliament. कमेटी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पुलिस की समस्याएं जानी और पुलिस की जरूरतों को समझा। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको एक मिनी पार्लियामेंट माना जाता है, और आज पार्लियामेंट्री कमेटी दिल्ली पुलिस किस प्रकार से काम करती है, उनका कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके पास उन समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से दिल्ली को कैसे ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है, और उसमें उनको किस किन बातों की उनको जरूरत है। पुलिस मुख्यालय के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने जामा मस्जिद थाने का निरीक्षण किया, जिसकी वजह जमीनी स्तर पर पुलिस के जवानों की समस्याएं जानने की बताई जा रही है। वी आर गोइंग अहेड टू सी वन पुलिस स्टेशन आल्सो एंड इन फ्यूचर आल्सो वी विल डिस्कस। स्टैंडिंग कमेटी के इस दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालिया एंटी करप्शन ब्यूरो विवाद के बाद पार्लियामेंट स्टैंडिंग के दिल्ली पुलिस मुख्यालय दौरे को दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी जताने का कवायद मानी जा रही है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। कैमरामैन शुरभी के साथ मनोज केसरी, टोटल न्यूज दिल्ली।